खबर रीवा से है, जहां राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अजय प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री के शासनकाल में किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद ने क्या कहा। आयुष्मान भारत क्रांतिकारी योजना है। देश में ये आयुष्मान भारत के कारण गरीबों को जो हेल्थ सेक्टर में सिक्योरिटी मिली है वो अभूतपूर्व है। 5 लाख रुपए तक की दवाई निःशुल्क की जाती है। सभी गरीबों के कार्ड बने हुए हैं, आयुष्मान भारत कार्ड। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में और बड़े बड़े अस्पतालों में ये प्रयुक्त तो होते हैं। इसके संदर्भ में जो सबसे बड़ा कारण है डीजल पेट्रोल की कीमतें, उसको नियंत्रित करने के लिए अभी हाल में एक बड़ा गिरावट आई है डीजल पेट्रोल में। केंद्र सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को बढ़ाया है, जिससे कि डीजल पेट्रोल की कीमतें काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सके और उसके माध्यम से महंगाई में भी अंतर आएगा। और दूसरा, महंगाई का कारण जो है थोड़ा बहुत ग्लोबल भी है। आज जो रूस और यूक्रेन का घमासान चल रहा है उसके कारण भी वैश्विक स्तर पर बहुत सारी परिस्थितियां प्रभावित हो रही हैं। और आप स्वयं स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि अब वो ज़माना नहीं रह गया कि हम केवल भारत के ही संदर्भ में सोचकर और सारी चीज़ों को नियंत्रित कर सकें। अब पूरी दुनिया एक गांव जैसी हो गई है। कहीं पर भी कोई परिस्थिति निर्मित होती है, कोई समस्या निर्मित होती है, तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। तो महंगाई ऐसा नहीं है कि केवल भारत भर में ही है, ग्लोबल स्तर पर भी ये महंगाई का असर है और उसके प्रभाव में भारत भी है। रक्षा के क्षेत्र में अभी रक्षा मंत्रालय ने एक सूची जारी किया है लगभग 289 हथियारों की। वो हथियार पहले विदेशों से हिंदुस्तान में आते थे, अब वो सारे के सारे हिंदुस्तान में बनेंगे। हिंदुस्तान को किसी दूसरे देश से उनको क्रय नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा धमकी देता था परमाणु हमले के और कहा करता था कि दोनों देश परमाणु युक्त देश हैं, कभी भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो परमाणु हमले का जो भय है, उन्होंने इस पॉलिसी को बदल लिया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम परमाणु बम पहले ही उपयोग नहीं करेंगे, हम आवश्यकता के अनुसार परिस्थिति के अनुसार कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके कारण जो हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, उनको भी स्पष्ट संदेश दे दिया। जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, इंडियन फोर्सेस की प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमने अमेरिकन फोर्सेस की सुनी है। अमेरिकन फोर्सेस के अलावा दुनिया में आज तक किसी फोर्स ने इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं किया, और इंडियन फोर्सेस ने दो दो बार सर्जिकल स्ट्राइक किया बिना किसी कैजुअलिटी के। 100% लोग सारे के सारे जो गए स्ट्राइक में वो वापस सुरक्षित लौट आए। ये इतना शानदार रिकॉर्ड तो अमेरिकन फोर्सेस का भी नहीं है। अमेरिकन सील जो दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है, उसका भी इतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है जितना इंडियन फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। यदि कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ष में 365 दिनों में से लगभग 330 से 345 दिन सूरज चमकता है, और इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमारे पास है, इसलिए इसका एक सार्थक उपयोग हो इस दिशा में भारत ने पहल किया है, इसलिए भारत की बात सुनी जाती है। योग, भारत की पहचान ही योग था, सभी लोग करते थे, लेकिन योग को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाना योनियों के द्वारा, उस 25 जून को योग दिवस घोषित करना, और आज 25 जून जब आता है तो पूरी दुनिया में धूम मच जाती है। सारी दुनिया के लोग योग करते हुए दिखाई देते हैं और सब एक मत से स्वीकार करते हैं कि स्वस्थ रहने का जो तरीका है उसमें योग सर्वोपरि है। भारतीय योगाचार्यों की विदेशों में बड़ी मांग है। तो ऐसे अनेक कदम हैं जो मोदी सरकार ने उठाए हैं, और उन कदमों के कारण भारत की भू राजनीतिक परिस्थिति में भी परिवर्तन आया है, भारत की वैश्विक स्थिति में भी परिवर्तन आया है, भारत विकास के रास्ते पर भी तेज़ी से बढ़ा है। मैंने कुछ बातों का संक्षेप में उल्लेख किया है, बाकी विस्तृत मेरा